हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज फिर मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ आया हूँ, जो कि है आपका भारत चीन संबंध। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में कैसा संबंध है, क्या संबंध है। तो भारत चीन संबंध देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि चाइना के इर्द गिर्द कौन से कंट्री हैं जिनकी बाउंड्रीज इनसे टच करती हैं। तो जैसा कि ऑन मैप अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा चाइना है। चाइना के इधर मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये आपका है लाओस, वियतनाम, इधर साइड है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इतने सारे कंट्रीज़ के साथ आपका चाइना बाउंड्री शेयर करता है। आगे हम लोग और भी इससे इसका देखेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी भारत चीन संबंध के बारे में, तो एक बात जान जाइए कि चीन जो है एक साम्राज्यवादी नीति पर चलते आया है और वो हमेशा बॉर्डर अपना एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है, हमेशा वो बॉर्डर को एक्सपेंड करते आ रहा है। ठीक है, इस बीच में हमारे साथ जो है सो 1962 में वार हो चुका है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जीता था। ठीक है, और हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा जो है सो सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो जो है सो चाइना के वजह से है। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है वो साम्राज्यवादी नीति पर चलता है, वो हमेशा अपना देश का भौगोलिक स्थिति जो है वो बढ़ाने के क्रम में रहता है। तो इसलिए चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। ट्रेड हमारा लगभग लगभग ठीक है, ठीक है, इम्पोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण टेंशन्स जो है दोनों देश के बीच में बने हुए हैं। बहुत बार ऐसी संधियां हुई हैं, संवाद हुए हैं, जिनसे कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है वो ये हो जाता है, लेकिन फिर चाइना जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ा देता है। बहुत बार तो भारत जो है सो अपना हृदय मजबूत करके, हृदय खोल करके चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे काम करते हैं। जैसे चाइना का जो अभी जो भौगोलिक आप स्थिति देख रहे हो वो पहले नहीं था, क्योंकि चाइना का कभी भी बॉर्डर जो है वो भारत के साथ लगता ही नहीं था। हमेशा भारत के साथ बॉर्डर जो है वो तिब्बत का लगता था, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चाइना को तिब्बत सौंप करके हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना दिए। ठीक है, अब मान लीजिए तिब्बत ही जो था वो चाइना का नहीं था। ठीक है, तो अब चाइना हमारे देश में क्लेम करता है कि लद्दाख, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, ये तीन स्टेट बोलता है कि मेरा एरिया है। अब बताइए, उसका तिब्बतवे नहीं था तो ये तीन को स्टेट कैसे हो जाएगा उसका? ठीक है, तो ये जबरदस्ती का वो राजनीति करता है, जबरदस्ती का राजनीति वो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के जो स्टूडेंट लिख रहे हैं नोट्स वो लिख लें, और जो सुन रहे हैं वो सुनिए, तीन चार बार वीडियो सुनिएगा, आराम से आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, चीन भारत का पड़ोसी राज्य है, जैसा कि जानते हैं भारत चीन का धर्मगुरु रहा है। ठीक है, धर्मगुरु रहा है, इसलिए प्राचीन काल से भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध बना हुआ है। भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं, जिसके कारण दोनों राष्ट्र सुरक्षित समझे जाते थे, लेकिन आधुनिक युग में भी वायु मार्ग के विकास के कारण हिमालय पर भी विजय प्राप्त कर लिया गया। पंडित नेहरू और कृष्णा मेनन चीन के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1948-49 में चीन में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। भारत ने साम्यवादी चीन का समर्थन किया और चीन के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाया।
बीच-बीच में मैं बहुत सारी चीज़ों को समझाऊंगा, तो जो वीडियो स्किप कर कर के देखते हैं स्टूडेंट, वो स्किप कर कर के ना देखें। लेकिन भारत और चीन के मार्ग में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई, जिसके कारण दोनों के संबंध अच्छे नहीं रहे। वे कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं चीन से भिन्न हैं। दूसरा, भारत शांति, सह अस्तित्व और पंचशील के सिद्धांत में विश्वास रखता है। दूसरी ओर चीन साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का पक्षधर है। तीसरा, चीन भारत को एक कमजोर देश समझता है तथा अपने स्थान को ऊंचा बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा से एशिया में कोई किसी का दबदबा रहे तो वो चाइना का रहे, ठीक है, सुपर पावर रहे तो चाइना रहे। भारत चीन संबंधों के इतिहास के बारे में बात करें तो भारत चीन संबंधों के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है भारत चीन संबंध को। पहला है आपका भारत चीन संबंध प्रमोद काल 1949 से 1957। दूसरा है भारत चीन संबंध टकराव और तनाव का काल 1957 से 1978। भारत चीन संबंध संवाद काल 1978 से अब तक, ठीक है। इस तीन पॉइंट्स में हम लोग पूरा का पूरा भारत चीन संबंध को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में पहला हम लोग देखेंगे भारत चीन संबंध प्रमोद काल 1949 से 1957, ठीक है। जैसा कि जान रहे कि 1949 यानी कि अभी जो है सो भारत आज़ादी हुआ है, और जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन जो थे वो दोनों क्या कहते हैं, चीन से बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते थे, ठीक है। भारत चीन के प्रति हमेशा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन काल में भी नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर बल देते थे। 1942 ईस्वी में च्वांग काई शोक ने भारत की यात्रा की थी। 1949 में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया और उसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। इस पर अमेरिका नाराज भी हुआ। भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया, जिसको अमेरिका नहीं चाहता था। सितंबर 1950 में सैन फ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी संधि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन को उसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। भारत ने साम्यवादी चीन का संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए हमेशा प्रयास किया, जो आगे चलकर मिला। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूएन में जो आपका वीटो पावर है वो भारत को मिलने वाला था, ठीक है, भारत को मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने जो है सो गलती करके चाइना को दिलवा दिया और बोल दिया हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है सो चाइना को दे दिया वीटो पावर यूएन का। अगर ये गलती नहीं होती तो आज हम लोगों की स्थिति और मजबूत होती। 1949 से 1957 तक का काल भारत चीन संबंधों में प्रमोद काल कहलाता है, क्योंकि इसी अवधि में दोनों देशों के बीच निम्नलिखित मैत्रीपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें पहला है 29 जून 1954 को दोनों देशों के बीच एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ। दूसरा, भारत ने तिब्बत में चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लिया, ठीक है, 1954 में ही तिब्बत की कर लिया था। सी, जून 1954 में चाउ एन लाई भारत आए और पंचशील सिद्धांतों पर बल दिए। डी, अक्टूबर 1954 में ईस्वी में नेहरू ने भी चीन की यात्रा की। अप्रैल 1955 में बुडुंग सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ काम किया। लास्ट, गोवा के प्रश्न पर चीन ने भारत का साथ दिया। यही गोवा का बॉर्डर अगर चीन के साथ सटा हुआ रहता तो कभी नहीं चीन साथ देता भारत का, वो कहता कि हमरे है गोवा भी। इस प्रकार 1954 से 1957 तक दोनों देशों में बड़े अच्छे संबंध रहे। हिंदी,
चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। नेहरू जी ने हमेशा चीन के साथ मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण रखे। पामर ने भी कहा है, साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारक है, तुष्टिकारक था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत चीन संबंध टकराव और तनाव काल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें टकराव और तनाव काल की, तो हमेशा से ये बात दिमाग में रखिएगा कि चाइना के साथ हमेशा से बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है हमारा। तनाव का एक ही कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, जिसमें पहले भी बहुत बार हो चुका है बॉर्डर डिस्प्यूट। 1962 में आपका इंडो चाइना वार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 1967 में जो है वो आपका सिक्किम में बात करें तो नाथुला और चोला जो आपका पास है, ठीक है, दर्रा है, यहाँ पर जो है सो क्लैश हुआ बॉर्डर को लेकर के भारत और चीन के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका 1987 में आपका समडोरंग चू ये एक जगह है तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर भी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हुआ। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और ये आपका सिक्किम में नथुला और चोला, जहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ 1967 में। और 1987 में समडोरंग चू यहाँ पर जो है सो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश के, यहाँ पर 1987 में आपका बॉर्डर के लिए लड़ाई हुआ भारत और चीन के बीच में। और अभी हाल में आप लोग जानते ही हैं कि एक आपका डोकलाम हुआ है जो कि सिक्किम में है 2018 में। ठीक है, और एक आपका गलवान हुआ है, गलवान वैली में भी हुआ। और एक तनाव का कारण जो है वो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सब पॉइंट दिमाग में रखिएगा। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि ये तनाव का कारण इसलिए है क्योंकि ये हमारा जो है सो जो आपका जम्मू कश्मीर में जो ये क्षेत्र है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, उसमें से जा रहा है ये कॉरिडोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब सारे पॉइंट्स जो है दिमाग में रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैं समझा दे रहा हूँ। पंचशील और बुंडुंग सम्मेलन को भारतीय कूटनीति की महान सफलताएं माना गया था, लेकिन वे भारतीय कूटनीति की पराजय सिद्ध हुई। भारत ने चीन के साम्राज्यवादी नीति को नहीं समझ सका, जिसके कारण आगे चलकर चीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। चीन भारत पर पहले इसलिए आक्रमण नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हिमालय की दुर्गम पर्वत मालाएं थीं, लेकिन 20वीं सदी में विज्ञान के चमत्कार के कारण यह दूरी समाप्त हो गई। 1954 में भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती हुई थी कि तिब्बत को जो है वो चाइना को दे देना। अगर तिब्बत को चाइना नहीं दे देता तो आज हमारे भारत राज्य से चाइना का किस बॉर्डर लगता ही नहीं, तिब्बत का बॉर्डर लगता। ठीक है, इससे चीन भारत के निकट आ गया। भारत और चीन के बीच निम्नलिखित बिंदुओं पर टकराव और संघर्ष जारी है। पहला है द प्रॉब्लम ऑफ तिब्बत। तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है। भारत को अंग्रेजों से तिब्बत के संबंध में निम्नलिखित अधिकार उत्तराधिकार में मिले। ठीक है, सक्सेशन में मिले थे कुछ अधिकार, ब्रिटिशर्स ने दे के गया था भारत को कि आपका ये अधिकार है, उत्तर अधिकार है तिब्बत के संबंध में। पहला, ल्हासा में एक भारतीय एजेंट को रखना। दूसरा, व्यापारिक संबंध बनाए रखना। तीसरा, डाक और तार के कार्यालय को रखना। चौथा,
ज्ञानत्से में एक छोटा सा सैनिक दस्ता रखना जो व्यापार मार्ग की रक्षा कर सके। ठीक है, ये चीज़ जो है सो अंग्रेज जो है वो भारत को अधिकार दे के गए थे तिब्बत के ऊपर, इतना। चीन सदियों से तिब्बत पर अपना अधिकार जताता आ रहा था। चीन में जैसे ही साम्यवादी सरकार बनी, जो तिब्बत को अपने राज्य का एक अंग बताया, ठीक है, चीन ऐसे ही करता है, पहले जो है सो मैप जारी करेगा, उसके बाद कहेगा ये वाला अंग भी मेरा है, ये वाला अंग भी मेरा है, ये वाला अंग भी मेरा है, सब उसी का है, पूरा विश्व उसी का है। 1 जनवरी 1950 को चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दी। दिसंबर 1953 में चीन और भारत के बीच एक वार्ता प्रारंभ हुई, जिसके अनुसार भारत ने तिब्बत से अपनी सेना हटा ली। ये सबसे बड़ा गलती हुआ, लेकिन व्यापारिक संबंध और तीर्थ यात्रियों का आना जाना तिब्बत में बना रहा। भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली, जिसके लिए पंडित नेहरू की काफ़ी आलोचना की गई। ठीक है, आलोचना होना ही चाहिए, बहुत गलत काम किया उन्होंने। अब तिब्बत पर चीन का पूरा अधिकार हो गया। 18 अक्टूबर 1954 को नेहरू चीन की यात्रा पर गए और 28 नवंबर से 10 दिसंबर 1956 तक चाउविनलाई 2 भारत की यात्रा की। भारतीय संसद ने चीन और भारत की मित्रता पर बल प्रकट किया और पंचशील में विश्वास प्रकट किया गया। इस प्रकार 1956 तक भारत और चीन के बीच उत्तम राजनीतिक संबंध थे। उन्नीस सौ छप्पन में ही तिब्बत के शांपा क्षेत्र में चीनी शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रारंभ हो गया, जो 1959 तक जारी रहा। इस विद्रोह को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। चीन सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह का दमन किया। 31 मार्च 1953 ईस्वी को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के एक दल के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली और बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आने लगे, जिसको भारत में मशूरी के पास बसा दिया गया। अभी भी दलाई लामा चीन से भागे हुए हैं और तिब्बती शरणार्थी भारत में पड़े हुए हैं। इसी तिब्बत समस्या को लेकर भारत और चीन का संबंध बिगड़ना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है आपका इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत और चीन के बीच मुख्य टकराव और तनाव सीमा विवाद को लेकर है। 1950-51 में साम्यवादी चीन ने अपने नक्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखा दिया। भारत सरकार ने जब चीन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया, तो चीन यह कहकर टाल दिया कि नक्शा पुराना है। बताइए, चाइना का कभी बॉर्डर टच नहीं करता था भारत से, तिब्बत का बॉर्डर टच करता था। तिब्बत की एक भारत संप्रभुता उसको दे दिया 1954 में, जो कि ब्रिटिशर्स भारत को देके गए थे कि तिब्बत में ऐसे ऐसे आप रखिएगा अधिकार। ठीक है, और उसके बाद भी चाइना क्या कर रहा है कि आप कह रहा है कि भारत का एक अंग दिखा दिया कि हमरे था वो, बताइए। तो 17 जुलाई 1954 को चीन एक पत्र द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने तूजे नामक चीनी स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया है। ठीक है, भारतीय अधिकार कर लिया है, अपने बढ़ते जा रहे हैं। भारत सरकार ने चीन को यह जवाब दिया कि यह क्षेत्र भारतीय प्रदेश में है। 1954 से ही चीन ने सीमा पर अपनी सेनाएं भेजना प्रारंभ किया और 1959 में चीनी सरकार ने एक पत्र लिखकर भारत को कहा कि दोनों देशों के बीच में कभी भी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि सीमा बनवे नहीं किया दोनों के बीच में, बताइए। तब तो अब भारत के जिन भारत का जनसंख्या बढ़ गया, भारत के सारे युवा जनसंख्या हैं, सब उठ करके बोलिए कि क्या कहते हैं, तिब्बत जो है सो तिब्बत में जो अधिकार अंग्रेज देके गए थे वो उन्हें वापस दीजिए और तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कीजिए। सो चाइना अपना एरिया में जाए, चाइना का साम्राज्यवादी बहुत अधिकार फैलते जा रहा है, और विश्व के कैसे ये यूएसए हुए हैं, रशिया हुए हैं, ये सब कैसे क्या कहते हैं चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं, सारे देश कैसे सपोर्ट कर रहे हैं चाइना का, ये बहुत गलत बात है, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। चाइनीज अटैक ऑन इंडिया 1962, भारत पर चीन का आक्रमण।
इस संदर्भ में अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना मैकमोहन रेखा पर पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश कर आक्रमण किया और भारत के एक बहुत बड़े भाग को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, वन वे क्या कहते हैं, विराम कर लगा दिया। चीन के एक पक्षीय युद्ध विराम के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, एक पक्षीय युद्ध विराम कर दिया कि हाँ हमारे तरफ से युद्ध खत्म हो गया, कब्जा कर लिए हैं, आप क्या कहते कह रहे हैं कि नहीं सर हमारे तरफ से युद्ध खत्म हो गया है, सो अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बताइए ये कोई ये है। और विश्व विश्व जो है, वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, सो कैसे शांत है इस मुद्दे पर, क्या उन्हें नहीं दिखता है कि चाइना क्या कर रहा है। पहला, चीन यह दिखाना चाहता था कि वह बाध्य होकर युद्ध किया, पहला। दूसरा, भारत को हराकर उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की। तीसरा, सर्दी पड़ने पर सैनिकों को सामान पहुंचाना कठिन था, इसलिए युद्ध विराम कर दिया, बताइए। डी, भारत को अमेरिका और इंग्लैंड से सैनिक सहायता मिलने लगी। रूस ने चीनी आक्रमण को उचित नहीं बताया। चीन को यह विश्वास हो गया कि भारत को हराना आसान नहीं है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। चीन के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य थे, पहला, चीन को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को अपमानित करना। तीसरा, चीन विस्तारवाद को व्यवहारिक रूप देना चाहता था। डी, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना। ई, तिब्बत पर भारतीय नीति से चीन नाराज था कि दलाई लामा को भारत में शरण क्यों दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, चीन को एशिया का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था। आई होप बहुत छोटा छोटा मैं पॉइंट बनाया हूँ और बहुत सरल लैंग्वेज में बनाया हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा नोट्स ये वाला। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाया हूँ। ठीक है, सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, सारे कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को। नेक्स्ट, चीन भारत पर आक्रमण करके, भारत को पराजित करके दुनिया तथा भारत को यह अनुभव दिलाया कि वह एशिया का सर्वशक्तिमान राष्ट्र है। चीन को यह आशा थी कि युद्ध में रूस उसका साथ देगा और भारत में सांप्रदायिक दंगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, जो अभी हम लोग भारत चीन संबंध देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये पढ़ करके गुस्सा नहीं आ रहा है चाइना के खिलाफ कि चाइना ऐसा कैसे कर सकता है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूएसए क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, और चाइना क्या कहते हैं, किस तरीके से अपना दबदबा बढ़ाईले जा रहा है, विस्तार करते चला जा रहा है, मानहानि करते चला जा रहा है। इस समय मानवाधिकार वाले मर गए, सारे देश मर गए। अब तो हमारी भारत की जनसंख्या क्या कहते ज़्यादा हो गई है, अब तो हम लोग क्या कहते उठ करके सवाल कर सकते हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पराजय के कारण। 1962 का वार जो है सो भारत अनफॉर्चुनेटली हारा था। इस युद्ध में भारत के पराजय के निम्नलिखित कारण थे, पहला, भौगोलिक स्थिति चीन के पक्ष में थी, चीन की सेना ऊंची चोटियों पर भी थी और भारत की सेना नीचे, जिसके कारण भारत को युद्ध में असफलता मिली। दूसरा, चीन युद्ध की तैयारी पहले से कर रहा था जबकि भारत नहीं। नेक्स्ट है आपका कोलंबो प्रस्ताव। भारत और चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए कोलंबो में 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1962 तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, दोनों का विवाद कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 1962 में वार हुआ था, तो एक कोलंबो में, कोलंबो आप लोगों को पता ही है श्रीलंका में है, तो कोलंबो में जो है सो एक मीटिंग किया गया जिसमें वर्मा, कोलंबिया, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अंतर्गत निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए। पहला क्या है,
वर्तमान नियंत्रण रेखा भारत चीन सीमा विवाद के समाधान का आधार मान लिया जाए। दूसरा, पश्चिमी क्षेत्र में चीन वर्तमान रेखा से 20 किलोमीटर पीछे अपनी सैनिक चौकियां हटा ले। सी, पूर्व क्षेत्र में वर्तमान नियंत्रण रेखा को युद्ध विराम रेखा माना जाए। डी, मध्य क्षेत्र में सीमा का निर्धारण शांतिपूर्ण साधनों से किया जाए। ई, इन प्रस्तावों के आधार पर दोनों देश परस्पर वार्ता के द्वारा निर्णय ले। ठीक है, लेकिन भारत और चीन जो है, चीन तो साम्राज्यवादी नीति पर है, तो कोलंबो में जब यहाँ पर देखा कि 6-7 गो कंट्री मिल करके हम लोगों के बीच मध्यस्थता कर रहा है, तो यहाँ चाइना बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरे घर में बैठल था। अब फिर अपन घर जा करके बोला कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, चीन पाकिस्तान संबंध। चीन आक्रमण से पाकिस्तान ने चीन से हाथ मिलाया और उसने काराकोरम क्षेत्र में चीन को स्थायी रूप से बसा दिया। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 2600 किलोमीटर भूभाग को चीन को सौंप दिया। ठीक है, ये जो भारत है ना, ऐसे करके, सॉरी, ऐसे करके जो भारत है, ठीक है, इसमें जो है सो इधर साइड वाला जो एरिया है, ये तो आपका अक्षाई चीन, ये तो चाइना ही कवर करके बैठा हुआ है, कब्जा करके। और इधर साइड जो काराकोरम रेंज है भारत का, जो कि पीओके में है, ठीक है, पीओके में है, इस पर जो है वो 2600, यहाँ पर ये पड़ता है, ये 2600 वर्ग मील का एरिया जो है वो गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान चाइना को, जैसे होकर बाबूजी के हल है से गिफ्ट कर दिया, बताइए, चाइना को गिफ्ट कर दिया। और इन नहीं से जो है सो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो घुसा रहा है पाकिस्तान, बताइए, चाइना के भी बदमाशी, पाकिस्तान के भी बदमाशी। और इंडिया वाले बहुत जनसंख्या हो करके भी अपने अपने में जो है सो धर्म के लिए और जाति के लिए लड़ रहे हैं। एक भारतीय होने के नाते हमारा सबसे पहला चीज है कि हम अपनी भूमि की रक्षा करें, हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। हमारे लिए धर्म, जाति सब बाद में होना चाहिए। सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम इंडियन हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। हमारा धर्म बाद में आना चाहिए और राष्ट्र पहले आना चाहिए। ठीक है, यही भारतीय की पहचान है। इस प्रकार दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। वस्तुतः तिब्बत और चीन सीमा विवाद को लेकर 1957 से 58 तक दोनों देशों में टकराव और तनाव की स्थिति बनी रही। पहला आपका है भारत चीन संबंध संवाद काल 1978 से अब तक की हम लोग स्थिति देखेंगे। भारत में जनता सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद चीन के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए। इसके पश्चात वार्ता का दौर शुरू हुआ तथा कई दौर की वार्ताएं दोनों देशों के बीच चली। हालांकि इन वार्ताओं में सीमा विवाद का हल नहीं हुआ। सीमा विवाद कभी हल हो ही नहीं सकता है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना साम्राज्यवादी नीति है। वो और आपका देशवा कहेगा, काबरी कहेगा, उत्तर प्रदेश भी हमरे है, बिहार भी हमरे है, और यहाँ पर इतना जनसंख्या बढ़ाने के बावजूद यहाँ के लोग जो है सो धर्म और जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे जिंदगी भर कि हमारा धर्म ये है, हमारा ये कर दे, हमारा वो कर दे। राष्ट्र इनको नहीं दिख रहा है, राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा। सबसे बड़ा है राष्ट्र, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, अगर राष्ट्र नहीं बचेगा तो धर्म भी आपका नहीं बचेगा। चाइना में देख लीजिए इस्लाम के साथ क्या किया जा रहा है, मुस्लिम्स के साथ क्या किया जा रहा है चाइना में। फिर भी इन वार्ताओं के द्वारा दोनों देशों के बीच निकटता आई। वार्ताओं के कई दौर दोनों देशों के बीच आयोजित हुए जो निम्नलिखित हैं। पहला, वार्ता का पहला दौर 1978 ईस्वी में चीनी खिलाड़ियों ने टेबल टेनिस की प्रतियोगिता जो कलकत्ता में आयोजित हुई उसमें भाग लिया। 1978 में वांग पिंग नान के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधिमंडल भारत आया।
दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता हुआ? बहुत मेहनत करके बनाया वो नोट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? तो कृपया शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को, बच्चों को बताना। चीनी वैज्ञानिकों ने भी भारत की यात्रा की। तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडीजन थी जत्ती ने भी चीन की यात्रा की। 1978 में साराभाई के नेतृत्व में भारतीय नृत्य मंडली का भव्य स्वागत किया गया। इस प्रकार वार्ता का पहला दौर शुरू हुआ। दूसरा, वार्ता का दूसरा दौर 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ने चीन की यात्रा की। उनका मुख्य उद्देश्य था चीन के साथ संबंध सुधारना, लेकिन उन्हें अपने मिशन में सफलता नहीं मिली। तीसरा तीसरा दौर 1981 में श्री ली फेंग ने जून 1981 में भारत की यात्रा की और भारतीय यात्रियों को मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने की अनुमति भी दे दी। चीन का दूसरा प्रतिनिधिमंडल फुआओ के नेतृत्व में भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता के लिए 16 मई 1982 को नई दिल्ली पहुंचा। 29 जून 1983 में बीजिंग में फिर वार्ता हुई शुरू हुई, लेकिन यह वार्ता असफल रही। जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात होगी तो वो चीज़ फेलियोर ही रहेगा भारत चीन के बीच, क्योंकि चाइना कभी भारत का नहीं मानने जा रहा है। भारत भले क्या कहते अपना हृदय बढ़ा करके चाइना को दे दे, सब दे दे, ले लो ले लो ले लो, यही करते ही आया है। आज की युवा जनरेशन को गुस्सा आना चाहिए इस बात से कि आपने कैसे क्या कहते कर दिया। चौथा दौर 1983, सीमा विवाद के समाधान हेतु 24 अक्टूबर 1983 को भारत और चीन के वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली में वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। ठीक है, अब री इलेक्शन होगा तो उसमें कहिएगा कि तिब्बत जो है उसको वापस भारत या तो स्वतंत्र कर दे या तो अपने में मिला ले। चाइना का मोनोपोली खत्म होना चाहिए। चाइना जो ये करता है दानवगिरी, दबदबागिरी, इसको खत्म होना चाहिए। पूरे विश्व में ये कर रहा है और सारे सुपर पावर जो है सो फेल हैं। यूएसए, रशिया, सब फेल है, सबके सब फेल है। कुछ दिन में रशिया का जो पार्ट है उसको भी कहेगा चाइना कि मेरा है इतना, उसके बाद रशियन का कर लेगा। नेक्स्ट है वार्ता का पांचवा दौर 1984। बीजिंग में पुनः 17 सितंबर से 22 सितंबर 1984 तक वार्ता चली, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। वार्ता का छठा दौर 1985। 4 नवंबर 1985 को भारत और चीन के बीच वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई, पूर्वी क्षेत्र की सीमा निर्धारण के प्रश्न पर। सातवां दौर 1986, दोनों देशों के बीच 19 जुलाई 1986 को बीजिंग में वार्ता का सातवां दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें चीनी घुसपैठ पर चिंता व्यक्त की गई। इसी बीच भारत ने 12 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का एक राज्य घोषित किया, जिसका चीन ने विरोध किया। अभी अभी अमित शाह जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में एक विलेज में गए थे, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन डाल दिया चाइना की, क्या कहते ये चाइना का है। बताइए, अब तिब्बतवे नहीं था होकर, और अभी अरुणाचल प्रदेश वो है होकर, और जो अरुणाचल प्रदेश दे देगा भारत, और जो कहेगा आसामो था हमरे। बताइए, ये दादेगिरी ना है। सब देश को मिलके इसको जो है जो सैंक्शन लगा करके और चारों तरफ से इसको आइसोलेट करना चाहिए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर तरीके से इसको आइसोलेट करना चाहिए इसको चाइना को। वार्ता का आठवां दौर 1987, भारत और चीन के बीच वार्ता का आठवां दौर 17 नवंबर 1987 को नई दिल्ली में हुआ, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं निकाला जा सका। नेक्स्ट, राजीव गांधी की चीन यात्रा दिसंबर 1988। ठीक है, इसे पढ़ने के बाद हर विद्यार्थी को, हर स्कॉलर को, हर रिसर्च को गुस्सा आना चाहिए, ठीक है, कि चाइना ऐसा कैसे किया भारत के साथ। ठीक है, हमें हमारा जितना था वो हमें चाहिए, चाइना की ये साम्राज्यवादी नीति नहीं चलेगी, और इस देश में रहने वाला हर आदमी पहले भारतीय है,
उसके बाद वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। फर्स्ट पहला राष्ट्र है, फिर धर्म है, और सबसे अंत में जाति है। सीमा विवाद को हल करने के लिए 19 से 23 दिसंबर 1988 को राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। उन्होंने चीन में चीनी राष्ट्रपति यांग शान कुन, प्रधानमंत्री ली पेंग तथा वरिष्ठ चीनी नेता देंग से बातचीत की। वरिष्ठ चीनी नेता देंग ने कहा है कि देंग हम लोग पढ़ रहे हैं, देंग का एक पर्यायवाची भी है, आप लोग को जैसा कि ज्ञात हो ही रहा होगा। देंग को हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं। देंग ने कहा कि आपकी बीजिंग यात्रा से अब हमें अतीत भूलकर आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। राजीव गांधी ने भी कहा, हमने चीन के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करके मैत्री को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है। राजीव गांधी की चीनी नेताओं से हुई बातचीत स्पष्टवादिता, मैत्रीपूर्ण तथा आपसी समझ के वातावरण में हुई। भारत और चीन ने एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जो सीमा विवाद का सर्वमान्य हल निकालेगा। आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टि में काफी वृद्धि हुई। हर चीज में वृद्धि हो जाएगा, आर्थिक में हो जाएगा, वैज्ञानिक में हो जाएगा, तकनीक में हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा, हर चीज में हो जाएगा, लेकिन आपका सीमा विवाद में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दोनों देशों में विमान और टेलीकॉम सेवाएं प्रारंभ हुई। इस प्रकार राजीव की चीन यात्रा लाभकारी सिद्ध हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के काल में भी भारत चीन संबंधों को सुधारने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में तनाव उस समय बढ़ गया जब भारत ने 11 से 13 मई 1998 को के मध्य 5 परमाणु परीक्षण कर अपने आप को शस्त्र धारक देश घोषित किया था। इसी समय भारत के रक्षा मंत्री रहे श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु की संज्ञा दे डाली थी। ठीक है, मीडिया में तो नेता लोग बोलिए देते हैं, कुछो बोल देगा नेता लोग, करनी धरनी है नहीं, बोल देगा खूब। ठीक है, जिसने चीन की मानसिकता अचानक परिवर्तित कर डाली। ठीक है, अब किसी को अब दुश्मन बोल दीजिएगा तो वो क्या कहते हैं, तुरंत जो आपके लिए अच्छा करना था वो ना करेगा। अक्टूबर 1998 में चीन ने वाजपेयी को की दलाई लामा के साथ मुलाकात की आलोचना की और इसे चीन के विरुद्ध तिब्बत कार्ड का प्रयोग कहा। वर्ष 2002 में पूर्व चीनी प्रधानमंत्री जू रोंगजी ने भारत की यात्रा की। इसके बाद वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने चीन की यात्रा की। उन्होंने चीन भारत संबंधों के सिद्धांत और चतुर्मुखी सहयोग के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। पूरा वीडियो देखना हर स्टूडेंट, स्किप मत करना। ठीक है, यही दरख्वास्त करेंगे और मेरी मेहनत को जरा सा सपोर्ट कर दो, शेयर करो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने 2005 और 2010 में भारत की यात्रा की। चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ 2006 में भारत आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 में चीन की यात्रा की। चीन के प्रधानमंत्री 2013 में भारत आए। भारत एवं चीन के मध्य प्राचीन काल से चली आ रही मैत्री आधुनिक काल में कई अस्थिर दौरों से गुजरती रही है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। सितंबर 2014 में को चीन के राष्ट्रपति मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचे। इस यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग और रेलवे में सहयोग समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, 2014 में जब शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद अहमदाबाद में जब क्या कहते हैं आए थे राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, तो मोदी के साथ मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा चीन और भारत का सीमा विवाद से लेकर हर विवाद हल हो जाएगा, हर चीज़ हल हो जाएगा, लेकिन चीन तो चीन है।
चीन का इलाज क्या किया जाए? 18 जून 2017 को डोकलाम पर सीमा विवाद हुआ। भारत, भूटान और चीन को मिलाने वाला बिंदु को भारत में डोकलाम कहा जाता है। चीन और भारत के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है, फिर भी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता चला जा रहा है। मोदी सरकार में भी सीमा विवाद का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मोदी सरकार में अगर बात की जाएगी तो दो सबसे बड़ा ये, एक आपका डोकलाम का जो आपका हुआ है सीमा बॉर्डर डिस्प्यूट, ये देखिए डोकलाम आपका यहाँ पर है, ठीक है, इधर भूटान है, इधर चाइना है और ये भारत है। ठीक है, ये डोकलाम, यहाँ पर एक डोकलाम प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है, डोकलाम प्लेट्यू। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जो है सो ये जो अक्साई चीन कब्जा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर गलवान है, गलवान वैली में आपका क्या कहते हैं फाइट हुआ था, गलवान वैली में फाइट हुआ था इंडियन और चाइनीज मिलिट्री के बीच में। ठीक है, तो ये दो आपका मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ। और जैसा कि जान रहे हैं चाइना जो है सो कोरोना ये किया, बताया नहीं किसी को। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। कृपया सपोर्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कहाँ से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ठीक है, कैसा लगा, क्या नहीं लगा। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष, भारत और चीन एशिया महाद्वीप की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन दोनों देशों का संबंध अभी भी ठीक नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद मुख्य समस्या है। अक्साई चीन को चीन ने चुपके से कब्जा कर लिया, जिसका कि भारत हमेशा विरोध कर रहा है। उसने भारतीय प्रदेशों से होकर एक सड़क भी बना ली है। चीन हिमालय को अपना क्षेत्र घोषित कर रहा है, जो उसकी गलती है। भारत ने सीमा विवाद को हल करने के लिए कोलंबो प्रस्ताव लागू करने का प्रस्ताव दिया, किंतु चीन को यह मान्य नहीं है। चीनी नेताओं का कथन है कि यद्यपि दोनों देशों के बीच सीमा के प्रश्न पर व्यापक मतभेद है, फिर भी दोनों वार्ता के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प किया गया है। भारत चीन को बिजली का सामान, कृषि यंत्र, चावल निकालने की मशीन, शक्कर और कपड़ा बनाने की मशीन तथा सूटर बनाने की मशीनें आदि अनेक चीजें निर्यात कर सकता है, और उससे रेशम, पारा और विभिन्न रसायन आदि आयात कर सकता है। भारत अपनी उन्नत तकनीक के सहारे चीन में अनेक कारखाने भी लगा सकता है। जहाँ तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का प्रश्न है, इसके लिए सम्मानपूर्वक हल के लिए प्रयास जारी करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको नोट समझ में आया हो। बहुत अच्छे से मैंने आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। माई नेम इज़ राजदेव गुप्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।